याद है इनकी सरकार लाल टेन प्रदेश बनाकर रख दिया था इन्होंने मध्य प्रदेश को। हमारे बच्चे रात को पढ़ नहीं पाते थे, खेत में सिंचाई तक नहीं हो पाती थी, बिजली थी कहाँ। तो शिवराय ने आकर प्रदेश को रोशन कर दिया, पूरे प्रदेश का जीवन अंधकार में धकेल कर गए थे ये लोग। तो माफ करो महाराज, हमारा नेता तो शिवराज। विकास का साथ दे, भाजपा को वोट दे। याद है इनकी सरकार। अरे जब होनहार बच्चे लोन और एडमिशन के लिए तरस रहे थे, तब ये अपने बच्चों को विदेश भेजकर इतरा रहे थे। ये तो शिवराज था जिसने आकर इन मेधावी बच्चों का हाथ थामा। अब हमारी तरक्की देखी नहीं जाती इनसे। माफ करो महाराज, हमारा नेता तो शिवराज। विकास का साथ दे, भाजपा को वोट दे। याद है इनकी सरकार। अरे गाड़ी चलाना तो दूर, पैदल चलने लायक रास्ते तक नहीं छोड़े थे इन्होंने। वो तो जब शिवराज आया तब कहीं जाकर गली मोहल्ले और गांव शहरों में सड़कें दिखने लगी। अरे ऊंचे महलों में रहने वालों, तुम क्या जानो गरीब की तकलीफ को। माफ करो महाराज, हमारा नेता तो शिवराज। विकास का साथ दे, भाजपा को वोट दे। जरूर दीजिएगा। याद है इनकी सरकार। ये लोग जब दिल्ली जाकर एक परिवार की सेवा में व्यस्त थे ना, तब शिवराज था जो केंद्र सरकार से प्रदेश के लिए फंड ला रहा था। अपने आकाओं की सेवा से फुर्सत मिलती तो ये देख पाते ना हमारी और प्रदेश की जरूरतों को। माफ करो महाराज, हमारा नेता तो शिवराज। विकास का साथ दे, भाजपा को वोट दे। याद है इनकी सरकार। 10 सालों में बूंद बूंद के लिए तरसा दिया था फसलों को, खेत बंजर दिखने लगे थे। दर्द तो हमारा सिर्फ शिवराज ने समझा। किसान का बेटा है ना, गांव गांव में नहर और बिजली ले आया वो। अरे पानी खाद और यूरिया तक के लिए तरसा दिया था इन्होंने किसानों को। माफ करो महाराज, हमारा नेता तो शिवराज। विकास का साथ दे, भाजपा को वोट दे। आप देख रहे हैं दखल न्यूज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एमपी में चुनावी सभा लेने छतरपुर में आने वाले हैं, जिसको लेकर बीजेपी ने तैयारियां शुरू कर दी हैं। साथ ही प्रभात झा ने अपने ऊपर लगे आरोपों पर भी सफाई दी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 23 नवंबर को छतरपुर आ रहे हैं। प्रधानमंत्री की सभा की तैयारी को लेकर छतरपुर में बीजेपी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष प्रभात झा ने बैठक ली। इस बैठक के बाद मीडिया से बात करते हुए प्रभात झा ने टिकटों के वितरण में उन पर लगे खरीद फरोख के आरोप पर कहा कि टीकमगढ़ विधायक के श्रीवास्तव की टिकट कटने के बाद उन्होंने गुस्से में आकर उन पर आरोप लगाए हैं। वहीं उन्होंने कांग्रेस के वचन पत्र में आरएसएस की शाखाओं में सरकारी कर्मियों के जाने पर रोक और सरकारी जमीन पर शाखा लगाने के रोक पर पलट जाने के बयान पर कहा कि कांग्रेस की 4 सरकारों ने संघ पर रोक लगाई और बाद में इन्हीं सरकारों ने रोक हटाई भी, लेकिन कमलनाथ के इस वचन पत्र पर पलट जाने के बाद जनता 28 तारीख के बाद कमलनाथ और ज्योतिरादित्य सिंधिया को सबक सिखाएगी। मैं फिर कह रहा हूं आपसे, 11 दिसंबर को आप सब मेरे मित्र रहेंगे, आपके चैनलों पर एक ही आवाज आएगी, चौथी बार बन रही है भाजपा की। पंडित जवाहरलाल नेहरू मेरे देश के पहले प्रधानमंत्री, उनके शासन से लेके मनमोहन सिंह जी के शासन तक 4 बार आरएसएस पे प्रतिबंध लगा है, 4ों बार प्रतिबंध वापस लेने पड़े हैं। आरएसएस भारतीय संस्कृति की आत्मा है और उस आत्मा पर जो प्रहार करेगा 28 नवंबर को जनता उन पर प्रतिबंध लगाएगी जो शाखा पर प्रतिबंध लगाने की बात कर रहे हैं। बहुत अच्छा विषय छेड़ा है कमलनाथ जी ने, जगा दिया है सबको। कमलनाथ जी उल्टी पलटी और ज्योतिरादित्य जी उल्टी गुलटी सब खाएंगे ये।
आप देख रहे हैं दखल न्यूज। याद है इनकी सरकार, जब ये दिल्ली में बैठकर गुलछर्रे उड़ा रहे थे ना, तब एक शिवराज भैया ही थे जो हमारी लालियों की पढ़ाई लिखाई, उनके शादी ब्याह की फिक्र मामा बनकर कर रहे थे। आधी आबादी का दर्द समझ में नहीं आता था इन्हें। अरे माफ करो महाराज, हमारा नेता तो शिवराज। विकास का साथ दे, भाजपा को वोट दे। याद है इनकी सरकार, जब ये चांदी के बर्तनों में दावतें उड़ा रहे थे ना, तब शिवराज ही था जो 1 रुपए किलो में अनाज और 200 रुपए में बिजली देने में जुटा हुआ था। गरीब का पेट भरना तो दूर की बात, 10 सालों में कमर तोड़ दी थी इन लोगों ने। माफ करो महाराज, हमारा नेता तो शिवराज। विकास का साथ दे, भाजपा को वोट दे। याद है इनकी सरकार, ये वही लोग हैं जो गरीबों की टपकती छतें देखकर अपना मुंह फेर लिया करते थे। वो तो मोदी आया तब जाकर हमारे सर पर पक्की छतें आई। गरीबी हटाओ कहते कहते गरीबों का ही हक खा गए थे ये लोग। माफ करो महाराज, हमारा नेता तो शिवराज। विकास का साथ दे, भाजपा को वोट दे। जिंदाबाद जिंदाबाद। याद है इनकी सरकार, ये जब बुजुर्गों से पैर छुआ कर चौड़े हुए जा रहे थे ना, तो हमारा शिवराज उन्हीं बुजुर्गों को माँ बाप मान के तीर्थ यात्रा करवा रहा था। आज वोट लेने की बारी आई तो बुजुर्गों को गले लगाने का ठोंग कर रहे हैं ये लोग। ए माफ करो महाराज, हमारा नेता तो शिवराज। विकास का साथ दे, भाजपा को वोट दें।